नमस्कार, आर के चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपको मैं एक बो बनाना सिखाऊंगी। ये देखो, इसके साथ पोम-पोम बनाना भी सिखाऊंगी। आप कहीं फ्रॉक पे, किसी बच्चे के स्वेटर पर कहीं भी लगा सकते हो। ये देखने में बहुत सुंदर है और बनाने में भी आसान है। ये देखो, किसी टॉप पे, स्वेटर पे, फ्रॉक पे कहीं भी लगा सकते हो। ये आपको मैं बनाना सिखाती हूँ। ये मैंने 12 फंदे डाले हैं। एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा फंदा हमने इसे बुनाना है। एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, सिंपल सीधा सीधा उल्टा बुनना है। सिंपल सीधा और उल्टा दोनों तरफ से सीधा उल्टा बुनना। एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा। सीधी उल्टी सिलाई। 10 सिलाइयां मैंने चढ़ा ली। अब क्या करना है? 2 का 1, फिर 2 का 1, फिर 2 का 1, फिर 2 का 1, फिर 2 का 1, सीधी सिलाई में यहाँ सारे आ जाएंगे। एक फंदा फिर उल्टा, उल्टी सिलाई, पूरी उल्टी। सीधी सिलाई, एक सीधा, यहां से उल्टा उठा लेना, फिर सीधा, धागा आगे ये वाला, उल्टा, धागा पीछे, सीधा बुन लो, धागा आगे ये वाला उठा लिया, उल्टा, धागा पीछे, सीधा, धागा आगे, उल्टा, धागा पीछे, सीधा, धागा आगे, उल्टा, धागा पीछे, सीधा, रुझे उल्टा। जितने फंदे हमने कम किए उतने बराबर कर लिए। फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो गए। फिर हमने 10 लिया सीधी उल्टी की, फिर ऐसे ही कर लेना। 10 इधर बुनिए, 10 इधर कर लेनी है।
दस इधर कर लेनी है, ये दोनों तरफ से दस दस सिलाइयाँ होगी। अब हमने धागा छोड़ के इधर को हमने बंद कर देने, ये फंदे ये सारे धागे हमने बीच में प्रो देने हैं। ये उल्टी तरफ से अब आपको हम ये बनाना, ये तो बन गया, अब आपको ये बनाना सिखाती हूँ पोम पोम। देखो जहां से धागा लिया जितना बड़ा आपने बनाना उतना कर लो।
और टाइट टाइट गाठ लगा दो। अब जी आपने ये करना है तो ये भी आपको बता देती हूँ। जहाँ हमने छोड़ा था ना, पूरे ध्यान से पूरे काट देने हैं। अब आपने ये करना है, ये भी आपको बता देती हूँ। सिंपल क्रोशिया, जितना आपने लंबा बनाना हो। ऐसे बनाकर बस यहाँ ऐसे टांग देने।
थैंक यू, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना।